गोंदिया सिटी पुलिस स्टेशन अंतर्गत सिविल लाइन इलाके में रहने वाली श्रीमती ममता खटवानी के घर में सड़क पर घूम रहे चाबी मरम्मत करने वाले इस मास को लोहे की अलमारी का ताला ठीक करने के लिए घर में बुलाया गया तो उक्त अजनबी ने अलमारी में रखे 220 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। शिकायत गोंदिया शहर में दर्ज की गई थी। गोंदिया पुलिस को अपराधियों की पता साझी कर अपराधियों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई। अपराध स्थल का दौरा करने और वादी से विस्तार से पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी होटल सेंट्रल पॉइंट श्री टॉकीज रोड गोंदिया में रुका हुआ है। आरोपी का नाम गुरबीर धीर सिंह बताया जा रहा है। साथ ही आरोपी उधना जिला का रहने वाला है। सूरत में रहने की खबर मिलने पर गोंदिया की पुलिस टीम तुरंत रवाना हुई। आरोपी को हिरासत में लेकर अपराध के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि वह ताला मरम्मत के काम से गोंदिया आया था और चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसके पास से एक मोबाइल हैंडसेट और 11,68,600 रुपये कीमत के 173.5 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए। यह शहर का गुन्हा है आणि याच्यामध्ये आरोपी ने कुलपाच जी चावी है ती चावी दुरुस्त करून देतो असं सांगून हात चालकीने घरातले जे सोनं नाणं दागिने वगैरे जे होते तर हे सगळे लांबवलेले होते आणि याच्यामध्ये अथक प्रयत्नांनंतर जवळपास 220 ग्रॅम इतकं जे सोनं चोरीला गेलं होतं त्याच्यातलं 175 जवळपास ग्राम सोनं हे रिकवर केलेलं आहे। आरोपीला ताब्यात घेतलेलं आहे। आरोपी गुरबीर धीर सिंग चौहान हा मूळचा राहणारा राज्य गुजरात सुरत या ठिकाणचा आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याच्याकडून ही रिकवरी करण्यात आलेली आहे। पुढील तपास चालू आहे। या व्यतिरिक्त उर्वरित मुद्देमाल तसंच इतर काही गुन्ह्यांमध्ये हा जर आढळून आला फक्त आमच्या इथंच नाही गोंदियामध्ये तर त्याचबरोबर महाराष्ट्रातले इतर जिल्हे आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमधले देखील इतर काही शहरं या ठिकाणी देखील यांनी अशाच प्रकारचा गुन्हा केलेला असू शकतो आणि त्यामुळं याच ठिकाणच्या व्यासपीठाचा वापर करून इतर ठिकाणच्या देखील पोलिसांना मी आवाहन करतो की ज्याला कोणाला आवश्यकता असेल आणि त्या पद्धतीचं जर निदर्शनास आलं असेल तर त्यांनी त्याला ताब्यात घेऊन पुढील तपास करावा। आम्हाला 16 तारखेपर्यंतची त्याची पोलीस कस्टडी आम्हाला मिळालेली आहे। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अभिषेक भटनागर गोंदिया।